हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो हमारा सेमेस्टर 2 CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लो। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन लिया था, पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन लिया था, 50 हो गया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आपको अच्छे से देखना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना करते हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना। देखो, हमने यहाँ पे लिखा है 51, ठीक है। अब 51 के अंदर क्या बताया गया, ठीक है, कि द ऑपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज, यानी कि लिंग संवेदनशीलता के विपरीत है, यानी कि जो लिंग संवेदनशीलता के विपरीत क्या है, उल्टा उसका क्या है, तो इसका है दोस्तों जेंडर प्रीटी। ठीक है, क्या है, जेंडर प्रीटी। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर लिंग समानता, मतलब जेंडर प्रीटी। तो ध्यान देना, जब भी आपका बोलेगा ऑपोजिट, किसका ऑपोजिट, जेंडर सेंसिटिविटी का, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर पैरिटी, जेंडर पैरिटी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 52। इसमें बताया गया है कि मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर टाइपिकली लिंक्ड टू, आने की जो मास्कुलिनिटी है और फेमिनिटी है ये दोनों टाइपिकली किससे लिंक्ड है ना, किससे लिंक्ड है। तो ये हमारा जो होता है ना वो हमारा जेंडर से ही लिंक्ड होता है, यानी कि इसका संबंध किससे होता है, जेंडर से, यानी कि मर्दानगी, ठीक है, और स्त्रीत्व आमतौर पर से जुड़े होते हैं। तो ये जो मर्दानगी है और स्त्रीत्व है वो आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं, लिंग से जुड़े होते हैं। तो इसका संबंध किससे, लिंग से, ठीक है, यानी कि जेंडर से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपका मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी वाला ये दो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका लिंग यानी कि जेंडर छोड़कर तीसरा कुछ आंसर, दूसरा कुछ आंसर हो ही नहीं सकता है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यहाँ पर आपका बताया गया है कि ग्लोबली हाउ मेनी गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 आर मैरिड ईच ईयर, मतलब वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो हर साल 18 वर्ष से कम उम्र की कितनी लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम से कम 12 मिलियन ऐसा देखा गया है, ठीक है, जिसमें से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपको 54 क्वेश्चन ही देखने को मिले एग्जाम में, लेकिन इस प्रकार का पैटर्न वाला एक आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये पैटर्न क्या है सो आप लोग देख सकते हो, तो इसमें पैटर्न क्या दिया गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया, ठीक है, और नीचे कुछ और लिखा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन नहीं बल्कि इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो क्या बताया गया, यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिया गया, ठीक है, और इसमें बताया गया कि आर द सोर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लैंगिक भेदभाव के स्रोत हैं। अब यहाँ पर आपका दो, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ दिया गया, पहला है एजुकेशन टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड टीचर्स, यानी शिक्षा पाठ्य पुस्तकें पाठ्याचार्य और शिक्षक, ठीक है। दूसरा आपका लॉ एंड रूल्स, कानून और नियम। अब इसी से रिगार्डिंग आपका नीचे क्या बताइए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। जो यहाँ पे बताया गया था कि लैंगिक भेदभाव के स्रोत है, तो लैंगिक भेदभाव के स्रोत कौन सा है, नंबर 1 एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स करिकुलम एंड टीचर्स, या तो फिर लॉ एंड रूल्स, ठीक है। तो पहला सही है कि दोनों, दूसरा सही है कि पहला दोनों, दूसरा सही है कि दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन कि ओनली वन सही है कि ओनली टू सही है कि नाइदर वन, यहाँ ए एन एस लिखा गया, ठीक है, एंड होगा, ठीक है, नाइदर वन एंड टू, या तो फिर बोथ वन एंड टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, यानी कि वन और दो दोनों ही हमारा जो है वो हमारा क्या होता है, लैंगिक भेदभाव के स्रोत हैं, ठीक है, लैंगिक भेदभाव के क्या है, स्रोत है दोनों, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी बोथ, नंबर 1 भी नंबर 2 भी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, ठीक है। तो 55 में आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर अस्कीमा सिद्धांत, यानी कि अस्कीमा थ्योरी, ठीक है।
आने के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार जेंडर अस्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज नॉट रिलेटेड? तो इसका जो आपका 55 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, इसमें आपका बताया गया है, बोला गया है कि टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास आर टीचर शुड, मतलब क्या कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी एक शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखो इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, यानी कि ट्राई टू पुट बोथ एंड गर्ल्स, बॉयज भी और गर्ल्स भी, इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, मतलब क्या कि लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। मतलब एक शिक्षक को क्या चाहिए कि दोनों को, लड़का लड़की दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। जेंडर डाइवर्सिटी मीन्स, मतलब इसमें आपको पूछ रहा है किसका अर्थ, लिंग विविधता का अर्थ क्या है? तो लिंग विविधता का जो अर्थ है वो है इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुषों और महिलाओं की समानता अनुपात। ठीक है, समानता अनुपात, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा वो 58। ठीक है, 58, उसमें क्या बताया गया है, इन ऑर्डर टू मेंटेन जेंडर इक्वेलिटी इन क्लासरूम आर टीचर शुड, मतलब क्या कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो प्रोवाइड करना चाहिए द सेम अपॉर्चुनिटी टू बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब देखो दोस्तों, आप खुद से अगर क्वेश्चन आपको देता है ना, तो ये सब आप खुद से क्या कर रहे हो लगे, आप करेक्ट आंसर में टिकॉट करके आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सब इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कैसे, अगर कोई भी टीचर हमेशा समानता की बात करेगा ना, सभी लोगों को, चाहे वो बॉयज बैठे हों चाहे गर्ल्स बैठे हों, सभी को एक समान अवसर देगा, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप खुद से भी आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगर इस टाइप का आंसर क्वेश्चन आपको करने को मिलता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर में बताइए कि विच डेट इज सेलिब्रेटेड, यानी कौन सा दिन को सेलिब्रेटेड किया जाता है, किसके रूप में? तो एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड, मतलब किस तारीख को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कब से हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है, तो ये हमारा 11 अक्टूबर से मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बताया गया कि विच इज नॉन एज द एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म इसका, यानी SDG होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, SDG। एस का मतलब होता है आपका सस्टेनेबल, और डी का मतलब होता है आपका डेवलपमेंट, और जी का मतलब होता है गोल। ठीक है, तो यानी कि शिक्षा सतत विकास लक्ष्य, जिसको SDG कहते हैं, ठीक है, के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा SDG 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, SDG 4 होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 में बताया गया कि इन 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज हैड अचीव्ड जेंडर पेरिटी इन एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, मतलब 2019 में कितने प्रतिशत देशों ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की थी, यानी 2019 का बात चल रहा है कि कितने प्रतिशत, है ना, यानी कितने प्रतिशत देशों ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की थी, शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की थी। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 62 में बताया गया है, 62, हाउ मैनी गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जब भी आपका बात करें आउट ऑफ स्कूल, मतलब कितने अभी भी लड़कियां हैं दुनिया भर में जो क्या है, स्कूल से बाहर है, मतलब स्कूल नहीं जाती पढ़ने के लिए, चाहे उसका मजबूरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे उनका जो भी हो, बट नहीं जाती पढ़ने। सो 130 से 132 मिलियन के बीच में, आपका ऑप्शन देखना है 130 होगा दिया है या 132 दिया है। ठीक है, क्योंकि कहीं 130 देता है तो कहीं 132 देता है, तो आपको वहाँ पर देख लेना, जो भी आपका होगा 130 से 132 में से वो आपको करेक्ट करना है। ठीक है, या तो फिर इसका इर्द गिर्द जो होगा वही आपको सही करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 63 नंबर है,
द जेंडरिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज सीन इन, मतलब कि विश्व राजनीति के लिंग निर्धारण में देखा जाता है, है ना। तो जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए जेंडरिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जेंडरिंग को देखा जाता है, ठीक है, जेंडरिंग को देखा जाता है, तो देखो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना दोस्तों इसमें एक चीज़ कि जेंडरिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन सीन, अगर जब भी आपका बताया जाए ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि दुनिया भर में जो जेंडरिंग है, ठीक है, जेंडरिंग जो हमारा है जेंडरिंग, वो सीन किस टाइप से देखा जाता है, तो आपको ये सभी आंसर होगा। आपको हमेशा ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक करके आना, ठीक है, जब भी आपका जेंडरिंग ऑफ वर्ल्ड की बात किया जाए कि जो हमारा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के जो जेंडरिंग होते हैं उसको हम किस टाइप से देखते हैं, तो आपको ऑल ऑफ द अबव में करके आना है। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारे ऑप्शन दिए रहेंगे वो आपको ऑल द अबव ही दिए रहेंगे लगभग 99%, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए, चलो हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो इसका पहला है हमारा प्रोस्टिट्यूशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, यानी कि वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा आपका सिविल वार्स एंड रेफ्यूजी फ्लॉज, यानी कि नागरिक युद्ध और शरणार्थी प्रवाह। तीसरा है आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी व्यापार और विकास। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 64 की ओर। इसमें बताया गया कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, मतलब नारीवादी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका जो हमारा नारीवादी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है उनका क्या है, तो इसका इक्वेलिटी यानी कि समानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बताइए कि जेंडर अवेयरनेस राइजिंग एम्स 8 यानी कि लैंगिक जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है, ठीक है, तो इसका नॉलेज अबाउट जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लिंग में समानता के बारे में ज्ञान, और दूसरा आपका हो जाएगा इंक्रेजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, यानी कि सामान्य संवेदनशीलता में वृद्धि, और तीसरा आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लिंग समानता के बारे में समझ। देखो लिंग के बारे में समझ यानी समझना, ठीक है, समानता के बारे में समझना, सामान्य संवेदनशीलता में वृद्धि, और तीसरा है समानता के बारे में ज्ञान, समानता के बारे में ज्ञान, समानता के बारे में समझना, और एक समान संवेदनशीलता में वृद्धि, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। अगर कोई दिक्कत आ रही होगा आप लोगों को पढ़ाई करने में, ठीक है, या तो फिर समझने में, तब लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कह रहा क्या कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया यानी कि खाली जगह दिया गया, ठीक है, और बोला गया है कि ऑफ इलिटरेट पीपल वर्ल्ड वाइड आर वोमेन, ठीक है, यानी दुनिया भर में निरक्षर लोगों की खाली स्थान महिलाएं है, ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3 यानी कि 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 क्वेश्चन, बताइए कि द पर्पस ऑफ जेंडर यानी कि द पर्पस ऑफ जेंडर अवेयरनेस इज यानी कि लैंगिक जागरूकता का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो टू प्रोवाइड बेसिक फैक्ट्स एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स रिलेटिंग टू जेंडर इक्वेलिटी, मतलब लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न विषयों पर बुनियादी तथ्य सबूत और तर्क प्रदान करना, ठीक है, यानी वेरियस टॉपिक्स रिलेटिंग टू जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो प्रोवाइड बेसिक फैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, एविडेंस आ जाएंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑन वेरियस टॉपिक्स रिलेटिंग टू जेंडर इक्वेलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 है दोस्तों, हम लोग लास्ट क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं। बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट फॉक्सेस वन मेकिंग जॉब अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी बायस, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में ऐसा कौन से अवधारणा बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को नौकरी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब रोजगार के समान अवसर, ठीक है, रोजगार के समान अवसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 69, इंडियन सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज, यानी भारतीय समाज को खाली स्थान माना जाता है किस रूप में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा
तो एक पितृसत्तात्मक समाज, मतलब कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें से पिता को महान माना गया है, ठीक है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एक पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वोमेन मेंबर्स इन द लोकसभा हैज नेवर रीच्ड इवन खाली स्थान टोटल स्ट्रेंथ परसेंट ऑफ इट्स, ठीक है। यानी लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्य का प्रतिशत कभी भी अपना कुल संख्या के कितने प्रतिशत यहाँ पे है तक भी नहीं पहुँचा, अभी तक कितने परसेंट अभी तक नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। तो ये है हमारा 50% भी तक नहीं पहुँच पाया। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर खत्म होता है। अपना राय जरूर कमेंट में देना, ठीक है।